भाई लोग, ये अपने सब भाई लोग है, ये अपना सुपर किंग। ये तो तेरा नाम क्या है भाई? तेरा अच्छा, तेरा ए इधर देख रहे हैं जेडी, और दूसरा डिवाइन। भाई लोग, हम लोग जा रहे हैं अभी, धोनेश्वर जा रहे हैं हम लोग। भाई लोग, अभी हम लोग निकल चुके हैं धोनेश्वर के लिए, और वहाँ पे पहुँचेंगे तो आपको दिखाएंगे कि किधर जा रहे हैं हम लोग। और हम लोग जाफराबाद से अभी निकल चुके हैं। हम लोग बढ़ेरा गांव के पास पहुंच गए हैं, और आप सभी लोगों को बोलना चाहता हूं। We'll be right back.
है, सीधा ही जाने का है। राइट से भी आता है ऊना, या सीधा से भी जा सकते हो आप। और राइट से कैसा थोड़ा रात को थोड़ा जंगल इलाका है, तो अपने को यहाँ से ही जाने का, शेर भी बहुत निकलते वो साइड पे। ठीक है भाई लोग, अभी बलाना गाँव आया है और आगे जाके आपको मिलेगा जो एक लेफ्ट टर्न आएगा, बोर्ड लगा ही है सर्केश्वर, जो वहाँ पे मस्त बीच भी है, आप जा सकते हो, और भोलेनाथ का मंदिर भी है। तो आगे जाके अभी बहुत जल्दी आएगा तो बता देता हूँ, सामने ही है मेरे, वहाँ से आप सर्केश्वर के लिए जा सकते हो। बीच बहुत अच्छा है, बीच आपको गोवा की याद आ जाएगी, वैसा बीच है जैसे दीव भी जाते हैं ना, दीव का तो वैसा नागौर बीच कैसा है वैसा ही है। देखो मेरे सामने बोर्ड लगा है, उसके लेफ्ट साइड में ही है, वहाँ से आप जा सकते हो। ठीक है, और रात के टाइम पे तो भाई इधर लाइट वगैरह तो नहीं रहेगी, मज़ा आएगा यहाँ पे बाइक चलाना। बट यहाँ पे क्या चीज़ होती है कि शेर वगैरह भी बहुत निकलते हैं, तो अपने को संभाल के चलाना पड़ता है। अभी मैं सोचा था कि मैं बाइक राइड करने वाला था, मेरी स्कूटी थी यामा ZR की, तो मैंने सब चीज़ें उसमें डाल दी थी। बट क्या हुआ कि अभी मुंबई में फिर अचानक बारिश चालू हो गई, तो मेरा जाने का कैंसिल हो गया। फिर मैं बस से ही फिर यहाँ पे गुजरात आ गया, जो शादी विधि का माहौल चल रहा था तो मेरे को जाना ज़रूरी था, तो बाइक को वहाँ पे ही रखना पड़ा। देखते नेक्स्ट टाइम राइड करेंगे अपन अपने बाइक पे ही, फिर मचाएंगे भाई। सीन देखो भाई, एक नंबर है सीन, देखो यार क्या बात है, एकदम मचाएंगे। Hey, how you play that shit? और रास्ते थोड़े यहाँ पे ख़राब मिलेंगे, रोहिसा के अपन राइड मारते फिर आगे एक टिम्बी वगैरह के लिए जाएंगे, तो रोड थोड़ा ख़राब है यहाँ पे, बारिश की वजह से छाए थे, सब ख़राब हो चुके हैं। खेते देख सकते हो आप, बस मजबूत, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा लगता है गांव में आने का। देखने जैसा प्लेस गुजरात, बहुत अच्छा लगता है। अभी मेरा दोस्त है जी, हम लोग मुंबई से ही वर्सोवा गांव करके अंधेरी वेस्ट में, वहाँ पे अपना दोस्त रहता है, भाई जैसा ही है, तो वो यहाँ वहाँ से लद्दाख गया है, मुंबई से लद्दाख अकेला सोलो राइड करके। मैं उसका आपको नाम डाल दूँगा मेरे इस पर यूट्यूब पे, तो आप देख सकते हो उसका भी ब्लॉग। अभी उसने ब्लॉग तो डाले नहीं, इंटरनेट वगैरह का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, तो बोला आराम से डालूँगा ब्लॉग, तो बोला ठीक है। तो अकेला सोलो राइड कर रहा है, अभी लद्दाख भी पहुँच गया है वो, और बहुत मज़े से वो पहुँचा है, बोलता है मज़ा आया। मैं बोला देख भाई, अकेला ही मज़ा ही आता है भाई, सिंगल पर्सन इज गुड। तो भाई लोग ज़रूर देखना। भाई लोग अभी चित्रा सर आए हैं हम लोग, गांव का नाम है चित्रा सर, बट रास्ते बहुत ख़राब हो चुके हैं। हाँ भाई, मैं किधर था अपना, हाँ सागर बारिया करके है, इंस्टाग्राम पे भी आप देख सकते हो, सागर बारिया मुंबई टू लद्दाख के लिए। और भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा, पहुँच गया, और अपाची की 200 बाइक है,
रेड कलर की, बहुत अच्छा लगा, मस्त अच्छे से पहुंच गया। पर वहाँ पे भी थोड़ा बारिश बिरिश का थोड़ा लफड़ा चालू है तो उसको, पर ठीक है। चित्रा सर गांव का नाम है। देख सकते हो यहाँ पे छोटी सी नदी टाइप भी दिख रहा है, बहुत प्यारा नज़ारा है। ये सब गांव में आओगे तो आपको अगर हाईवे पे निकलना है, किसको भी पूछोगे कि भाई मुझे हाईवे जाना है, तो कोई भी बता देगा आपको, टीम भी करके है। और हम लोग अभी वापस से यही रूट से आने वाले हैं, वो आपको बहुत जल्दी पता चलेगा कि मैं यहाँ से दूसरे किधर जाने वाला हूँ, वो भी आपको बताऊँगा। फिलहाल के लिए अभी ये वाला ज़रूर देखना अच्छे से ब्लॉग। रास्ते बहुत खतरनाक हो चुके हैं, छोटा सा पानी, गाड़ी को थोड़ा आराम मिले। ओहो, भाई लोग ये अपनी टीम है, छोटी सी टीम है पर बड़ा धमाका करने की ताकत रख सकते हैं लोग। ये सुपर किंग चश्मा मार के, और आगे है दुलशान, राधे राधे बापू, राधे राधे बापू, बापू राधे राधे बापू, बापू राधे राधे बापू, आगे जो निकल जाए बापू, बहुत खतरनाक रस्तों से भाई। जय माता जी, जय मोगल माँ। ये अपने राइडर लोग जा रहे हैं, थोड़ा गाड़ी चला रहे हैं, और मजा नहीं, लाइफ है मचाई गई। गाय माता, गाय माता, गाय माता, अभी पांडा करके गांव आने वाला है। पांडा क्या चलाने में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई भाई लोग, गाड़ी कैसी भी हो गाड़ी चलाना आना चाहिए, मेरे को होती है कभी कभी थोड़ी बीच में प्रॉब्लम, बट जैसे चलाते जाओगे वैसे प्रॉब्लम हल होते जाएगा। भाई लोग अभी हम लोग टिम्बी पहुंच चुके हैं, नाम बहुत सुना हुआ है गांव का, और यहाँ से ही अपना हाईवे लगता है। अभी हाईवे आ चुका है, अभी मचाएंगे अपुन और तुमको भी नचाएंगे। भाई लोग अभी हाईवे पे आ चुके हम लोग, अभी थोड़ा हाथ को आराम मिलेगे जो खड्डे के वजह से ठाक ठुक हो रहा था, तो अभी थोड़ा सही होगा। ये हाईवे है टिम्बी से जो अपने को ऊना जाना है, ऊना के लिए डायरेक्ट, और जैसे अपन रोड क्रॉस करेंगे हाईवे के लिए तो अपने को है ना भाई लोग लेफ्ट मारना है, याद रखना, इसमें तो आपको पता चल गया रहेगा।
टेंशन ना हो। अपना बहुत सारे ब्लॉग बना बना के मैं डालने वाला हूँ, तो आप जरूर देखना। आपको अच्छा लगे लाइक शेयर करना और कमेंट भी कर सकते हो आप लोग, और सब्सक्राइब भी करने को बोल देना आपके दोस्त लोगों को। अगर आपको अच्छा लगा, आपने किया, तो आपके आपके व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में भी अपलोड जरूर करना। मेरा ब्लॉग बनाने का मकसद क्या है कि मुझे हर जर्नी मुझे यादगार बनानी है। शिवशंकर भाई लोग, ये अपन मानिकपुर में आ चुके हैं। ये प्लेस का नाम है मानिकपुर, और अपने बंटाई लोग आगे बढ़ गए हैं। और ये रास्ते भटक गए थे, जो लोग यही रास्ते पे आए थे आगे के, तो वहां पे बंद था, ये वापस से रास्ते पे आ गए इन लोग। सामतेर करके अभी गांव आने वाला है, सामतेर। बहुत डेंजर नाम है सब गांव के, बहुत डेंजर नाम है गांव के सबके, तो मेरे दोस्त लोग भी हंस रहे हैं। और अपने सुपरस्टार गाड़ी चलाते हुए भाई लोग, अभी थोड़ा नाश्ता चाय भी पी के दुकान देख रहे अभी किधर।
कि भाई आगे वो अच्छा मिलता है वहाँ पे खाने के लिए भी। और एक पहला ब्रिज आप देख सकते हो, पहला ब्रिज गाठिया बहुत फेमस है बोलते हैं यहाँ पे। भाई लोग अभी हम लोग दुधाना गांव पहुंच चुके हैं, यहाँ पे नाश्ता करने के लिए बैठे हैं। अब देख सकते हो गाठिया फाफड़ा भजिया ये सब अपने दोस्त लोग हैं, गाठिया फाफड़ा खाने के लिए रुके हैं। ये अपने विजय भाई, ये वो तो फॉर्म में ही है। दर्शान मजा आ रहा है, मचाई गए क्या बोलते हैं भाई लोग, बाकी फुल एंजॉय कर रहे हैं सब लोग और अपन भी दिखाएंगे कि हम लोग भी एंजॉय कर रहे हैं। भाई जरूर आना यहाँ पे गाठिया फाफड़ा खाने के लिए, ठीक है मिलते हैं। नाश्ता पानी हो चुका है, पुना है 8 किलोमीटर यहाँ से। बहुत डेंजर रास्ते भाई लोग, पर मजा आ रहा है। अभी जो ऊना में हम लोग पहुंचेंगे, बहुत बड़ा सिटी हो चुका है ऊना भी, बहुत बड़ा प्लेस है। जो मैं आपको बताया था ऊना से आप सोमनाथ दीव घोघला वगैरह भी जा सकते हो, तो मस्त। और दीव तो भाई मैं गया था, मैं उसका ब्लॉग भी बहुत जल्दी डालूंगा ऊना का, मस्त है, घूमने जैसा प्लेस है। और वहाँ पे दीव घोघले में ड्रिंक्स वगैरह बहुत सस्ती मिलती है, जैसे गोवा में कैसा है वैसा ही है। We'll be right back.
भाई लोग, ये कौन सा गाँव है पता नहीं है, बोर्ड वगैरह कुछ लगे नहीं है। ये भी रूट ऊना के लिए जाता है और ये ऊना के पहले ही गांव आता है और आगे जाके अभी बहुत जल्दी ब्रिज भी आएगा ऊना के लिए। तो ठीक है भाई लोग, है ना अपना ये ऊना का ब्रिज है जो उस पार अभी ऊना आएगा। इतना बारिश इधर गुजरात में, अपन तूफान ही आया था, ज़्यादा बारिश का पानी नहीं है तो देखो पूरा सूख गया है, अब देख सकते हो। ओ माता जी, ओ माँ माता जी, अभी अपन वेलकम टू ना। मट्टी बहुत उठती है, ट्रक्स वगैरह बहुत आते रहते हैं। भाई लोग, ये लेफ्ट में ऊना का बस स्टैंड है, बस का स्टॉप जो यहाँ पे बसें रुकती है। यहाँ से आपको सोमनाथ, गिरनार, देव घोगला सब मिलेगा आपको। और ट्रैफिक मुंबई जैसी ट्रैफिक हो गई है। क्या गाड़ी चला रहा है ये, हेड़े जैसा, साइड लाइट भी नहीं मारते इन लोग, गाड़ी चलाने आते हैं इन लोग को। हर बाजू आपको बाइक ही दिखेगी और सबसे ज़्यादा काम तो बाइक से ही होता है गांव साइड में, छोटे से छोटे प्लेस जाने के लिए भी। और यहाँ पे जब रात के टाइम पे ज़्यादा कोई निकलते नहीं है, इधर सिटी में ठीक है, बीच बीच में गांव आते उधर के शहर का बहुत ख़तरा रहता है। और अपने को यहाँ से भी राइट मारना है, लेफ्ट जाएंगे तो आपको सोमनाथ के लिए भी है, ऊना देव घोगला के लिए भी जाते वहाँ से, तो अभी अपने को राइट मारना है। बजरंग बली की जय। कुछ मिला रे भोले रह मुझसे तेरे, तूने ही है सुने तजा मेरे। बन के फकीर मचल आ राह में तेरे, तू ना मिलया मुझको आस है तेरे। सब कुछ मिला रे भोले तेरी, सुनी जा मेरी। भाई लोग, इधर जो नारियल के झाड़ जैसे दिखते हैं आपको, इधर उसको उसमें आते हैं उक्का करके रहता है, उक्का कुछ फल का नाम है, देख सकते हो बेच के टाइप दिखते हैं, से पैक किया है तो उसको पानी जाने के लिए भी। भाई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था शायद से पीछे, तो शायद तो उसको कुछ ज़्यादा हुआ नहीं, पर बैठ गया था वो, बैठ गया था।
ये मेरा दूसरा एक्सीडेंट मैंने देखा सामने। एक तो आपको पहले एक ब्लॉग डालूंगा उसमें बताऊंगा, और अभी भी एक शायद एक्सीडेंट हुआ था, बहुत सही नहीं था। तो आप गाड़ी चलाओगे, भले आप ब्लॉग निकल रहे तो ध्यान बराबर रखना, ज़्यादा कैमरे में डिस्प्ले पे मत ध्यान देना मेरे से। पिचकली पिचकली गाँव नो नाम से तो। और ये अपने भाई लोग किधर घूमने निकले हैं, झुड़वटी गांव टी देख सकते हो, झुड़वटी गांव। दो दिन का मेला फिर भी अकेला, दो दिन का मेला फिर भी अकेला, जाए जाए जाना पड़ेगा शमशान। ऐसा ना हो भोलेनाथ, संभल लेना। क्या रूड है भाई लोग, एक नंबर मचाएंगे, मजा रहा है। बहुत जल्दी हम लोग पहुंचने वाले हैं भाई लोग, बहुत बड़ा डैम है जो मैं गूगल में देखा था। इन लोग तो मेरे दोस्त लोग आ चुके हैं, सब लोग तो नहीं आए। क्या इस अपना ही है हाँ। देखो छोटा सा डैम यहाँ पे भी मस्त है, देख सकते हो। और अपने को इससे भी बड़ा डैम आएगा, मजा आएगा आप लोगों को।
हम लोग अभी दोनेश्वर महादेव का मंदिर पे आए हैं और बहुत पुराना है, पांडव के टाइम पे है, जो महाभारत के टाइम के तो वनवास के लिए आए थे पांडव लोग, तभी का मंदिर है। तो हमारे दादा बोलेंगे कुछ। दोनेश्वर महादेव तो कितना टाइम नो से आ? तो पांडव वक्त में पांडव। अच्छा भाई, पांडव के टाइम के ये मंदिर बहुत पुराना मंदिर है। तो यहाँ पे मंदिर थोड़ा छोटा है, तो आप कोशिश करो, मैं भी कोशिश करूँगा जितना जल्दी हो सके, काला पत्थर का भव्य मंदिर बनना चाहिए। तो आप सभी लोगों को बोलना चाहता हूँ, जो हिंदू धर्म है सबसे बड़ा धर्म है, सबको पता तो नहीं है अभी कैसा अपना हिस्ट्री, जितना है उतना अपने को पढ़ाया नहीं है। तो अपने को हिस्ट्री में खाली जो मुगल विगल को ही हीरो बना रहे, अपने जो राजा लोग थे महान थे उन लोग के बारे में इतिहास ज़्यादा बताते नहीं। तो अपने को सबको समझना है, इतना बड़ा इतिहास जो है उसको अपने को अच्छे से बनाना है और काले पत्थर का मंदिर बनाना है जो महाभारत के टाइम का मंदिर है। तो आप भी आ सकते हो भुवनेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है भाई लोग, हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव।